नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मिंग हेल्प चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फतेहाबाद मंडी की, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने हैं AC DI 6565, इसकी सबसे हम पहले बात करेंगे। शुरुआत करते हैं इसके पिछले टायर से। MRF का 1628 का टायर है, शक्ति लाइफ जो टायर है वो है। ये कंडीशन है तकरीबन मेरे ख्याल से 85% से ऊपर आप लगा लीजिए। अगले की बात करें तो MRF का ही अगला टायर है 7516 का, और शक्ति जो टायर है वो है 7516 का साइज़ है और कंडीशन आपके सामने है। अब आते हैं इस ट्रैक्टर के प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो जो प्लेटफॉर्म है वो आपके सामने है, कुछ इस प्रकार की कंडीशन है इसके प्लेटफॉर्म की। बात करें इसके रेट और मॉडल की, तो रेट मॉडल है 2016, कीमत है 4,35,000। अगले पर आएँ तो अगला आपके सामने है महिंद्रा अर्जुन अल्ट्रा 1605 DI। इसकी बात करेंगे तो पिछला टायर गुडियर का जो वज्र सुपर टायर है वो है ये, और 1628 की साइज़ है 1628 का। कंडीशन की अगर हम बात करते हैं तो कंडीशन है तकरीबन मेरे ख्याल से इसकी 68 से 70% के आसपास। अगले टायर की अगर हम बात करें, अगला है 7516 का गुडियर का टायर है और बिल्कुल नया टायर है। जो प्लेटफॉर्म है उसको आप एक बार देख सकते हैं, प्लेटफॉर्म की कंडीशन कैसी है। काफ़ी बड़े ट्रैक्टर हैं दोनों, इसके अंदर 12 फॉरवर्ड गियर होते हैं और 3 रिवर्स गियर होते हैं। मॉडल है ये 2014, कीमत की अगर हम इसकी बात करते हैं तो 4,95,000 की जो कीमत है वो रखी गई है। अब हम आते हैं अगले ट्रैक्टर के ऊपर। वैसे एक बार इसको जो है थोड़ा साइज साइड से दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। अगला है पावर ट्रैक 4455 DS प्लस है, यूरो सुपर मैक्स। इसकी बात करें तो पिछले टायर इसका वही 1628 का टायर, और कंपनी की अगर हम इसकी बात करते हैं तो आयुष्मान है मेरे ख्याल से, 1628 का है। कंडीशन की अगर हम बात करें तो 90% के आसपास इसकी जो कंडीशन वो है। अगले टायर की बात करें तो अगला टायर है इसका 7516 का MRF का, और कंडीशन आपके सामने है, ये आप देख सकते हैं। इसके देखें प्लेटफॉर्म को कि प्लेटफॉर्म कैसा है, तो आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म की कंडीशन। तो कुछ इस प्रकार की कंडीशन है इसके प्लेटफॉर्म की। 4 सिलेंडर ट्रैक्टर है ये। आते हैं इसके रेट और मॉडल के ऊपर कि इस ट्रैक्टर के रेट और मॉडल क्या है। एक उससे पहले आगे की लुक आप देख सकते हैं कुछ ऐसी है, और पिछला जो था वो हरियाणा नंबर था 433, मुझे ध्यान रही है ना ही रहा जब मैंने बताया। तो मॉडल है ये 2015, इसकी जो कीमत रखी गई है वो रखी गई है 3,95,000 रुपये। एक बार इस साइड से भी आप देख सकते हैं, इसमें हम कवर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैक्टर कवर करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर। अब ये है आपके सामने पावर ट्रैक 4455 BT सुपर मैक्स है ये। इसका जो पिछला टायर है वो है अपोलो का कृषक टायर, और साइज़ है 1428 का। कंडीशन की अगर हम इसकी बात करते हैं टायर की, जो कंडीशन है इसकी मेरे ख्याल से होगी ये 50-55% के आसपास। अगले टायर की बात करें, अगला टायर 7516 का है, अपोलो का ही टायर है, और कंडीशन बिल्कुल आपके सामने है जैसी भी है। 4 सिलेंडर ट्रैक्टर है, और इसका जो प्लेटफॉर्म है वो भी आप देख सकते हैं। अब हम देख लेते हैं एक बार आगे से इसकी जो लुक है वो कैसी आती है। तो आगे से ये ट्रैक्टर कुछ ऐसा दिखाई देता है जो अभी आप देख रहे हैं। कई भाई कहते रहते हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैक्टर दिखाओ, तो इस वीडियो के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैक्टर दिखाने की कोशिश करेंगे डिटेल के साथ। 4 सिलेंडर ट्रैक्टर है, पावर स्टेयरिंग के साथ में थे ये भी, सभी के सभी ट्रैक्टर पावर स्टेयरिंग में थे जितने भी अब तक इस वीडियो में दिखाए हैं। मॉडल है 2013, कीमत लिखी गई है 3,60,000 रुपये। अब आपके सामने है स्वराज 744 XM, जो रिवर्स PTO के साथ में आता है, 3 सिलेंडर है। पिछला जो टायर है वो आप देख सकते हैं अपोलो का है 1428 का। जो कंडीशन है टायर की वो काफ़ी अच्छी है, अगर हम बात करें कितनी है तो तकरीबन 72% के आसपास होगी मेरे ख्याल से। अगले टायर की बात करें तो अगला अपोलो का ही कृषक गोल्ड टायर है 6516 का, और काफ़ी अच्छी कंडीशन है इसकी भी। प्लेटफॉर्म क्या है, कैसा दिखता है वो भी एक बार देख लीजिए।
तो ये है इस ट्रैक्टर के प्लेटफॉर्म की कंडीशन। एक बार इसको आगे से दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको, तो आगे से ये ट्रैक्टर कुछ ऐसा दिखाई देता है। स्वराज 744 XM, इस साइड से भी देख लीजिए, स्टेयरिंग की बात करें सादे में है या पावर में, तो पावर स्टेयरिंग के साथ में है। रेटर मॉडल की बात करें तो मॉडल है 2017, कीमत लिखी गई है 4,60,000 रुपये। अगले पर आते हैं, अगला आपके सामने फार्म ट्रैक 50, इसकी बात हम कर लेते हैं। 3 सिलेंडर ट्रैक्टर है, काफ़ी पुराना मॉडल है, आप देख भी रहे हैं कलर वगैरह छूट चुका है क्योंकि काफ़ी पुराना मॉडल है। पिछला टायर आप देख सकते हैं 13/6/28 का गुडियर का टायर है। कंडीशन की अगर बात करते हैं तो कंडीशन है तकरीबन मेरे ख्याल से 45% के आसपास। अगले की बात करें तो 6/16 का इसका अगला टायर है और कंडीशन जो है वो आपके सामने है। प्लेटफॉर्म भी आप देख सकते हैं, तो कुल मिलाकर कुछ इस प्रकार की कंडीशन है इस ट्रैक्टर की। बात करें स्टेयरिंग की, जो स्टेयरिंग है वो पावर में है या फिर सादे में है, तो सादा स्टेयरिंग है ये, आपके बिल्कुल सामने है। बात करें रेटर मॉडल की, तो मॉडल है 1997 और 1,40,000 रुपये इसकी जो कीमत है वो रखी गई है, इस साइड से भी आप देख सकते हैं। अगले पर आएँ, अगला है आपके सामने ACDI 350, इसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले आते हैं पिछले टायर पर, 13/6/28 के गुडियर के टायर हैं इसके। कंडीशन की बात करें तो तकरीबन मेरे ख्याल से 85% के आसपास, और ये है इसके प्लेटफॉर्म की कंडीशन जो अभी आप देख रहे हैं। अगले टायर की बात करें तो गुडियर का ही टायर है अगला इसका, 6/16 का जो साइज़ है। कंडीशन आपके सामने, काफ़ी अच्छी कंडीशन के अंदर ये टायर है। अब आते हैं स्टेयरिंग के ऊपर कि पावर में है या फिर नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि जो स्टेयरिंग है वो सादा है, मैकेनिकल स्टेयरिंग इसको बोलते हैं। नंबर है 421D, यानी कि हरियाणा का ही नंबर है, बाहर का नहीं है। और आगे की लुक भी कैसी है इसकी, वो भी मैंने आपको दिखाने की कोशिश की। हालांकि इस ट्रैक्टर का जो रेट और जो मॉडल हैं वो लिखे नहीं गए मेरे ख्याल से, तो इसलिए इसके ऊपर हम ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करेंगे। मुझे ध्यान नहीं रहा, पहले मैंने ध्यान नहीं दिया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। ये है आईसर 333 सुपर प्लस हाइड्रोमेटिक एंटी, इसकी हम बात कर लेते हैं। पिछले टायर इसके अपोलो का जो क्रिसक टायर है, क्रिसक गोल्ड जो है वही है ये। साइज़ की अगर बात करें 13/6/28 का साइज़ है, और टायर की कंडीशन की बात करें तो तकरीबन 85% से 88% के आसपास, और प्लेटफॉर्म आप देख सकते हैं कुछ ऐसी कंडीशन है इसके प्लेटफॉर्म की। अगले टायर की बात करें, अगला टायर है इसका 6/16 का है, और जो कंपनी है वो है MRL कंपनी का है। स्टेयरिंग की बात करें तो पावर स्टेयरिंग के साथ में है ट्रैक्टर। बात करें इसके आगे से लुक की, तो आगे से कैसा दिखता है वो एक बार देख लीजिए, कुछ ऐसा आगे से दिखाई देता है। बात करें रेटर मॉडल की, तो 2018 मॉडल है ये, कीमत इसकी लिखी गई है 3,90,000 रुपये, ड्यूल क्लच के साथ में है। अगला आपके सामने है सोनालिका सिकंदर, जो 39 HP कैटेगरी के अंदर आता है, DI 35। पिछले टायर हैं 13/6/28 के, कंडीशन है तकरीबन 85%। अगले टायर हैं 6/16 के, अपोलो का ही क्रिसक टायर है, क्रिसक प्रीमियम है। मॉडल है 2018, कीमत है इसकी 4,15,000 रुपये। आगे से कैसे लुक देता है एक बार वो देख लेते हैं, तो आगे से कुछ ऐसा दिखाई देता है। तो इस वीडियो के अंदर हमने इन ट्रैक्टरों को कवर किया, ये था 33 ISO 330, 18 मॉडल 390, ये था DI 350, इसकी कीमत नहीं लिखी थी। ये फार्म ट्रैक 50 आपके सामने, मॉडल 97, कीमत थी 1,40,000 रुपये। इससे पहले था स्वराज 744 XM, जो कि 4-स्टार था रिवर्स पीटीओ के साथ, 17 मॉडल, 4,65,000 की कीमत, पावर ट्रैक 4455 VT, 13 मॉडल, 360 कीमत थी। उससे पहले था पावर ट्रैक 2015 मॉडल, 395 कीमत थी इसकी। फिर था आपके सामने महिंद्रा का अर्जुन अल्ट्रा 1605 DI, पावर स्टेयरिंग के साथ में, हरियाणा नंबर ही था 433D, 12 फॉरवर्ड गियर से 3 रिवर्स, 495 का। और उससे पहले आपके सामने था AC का DI 6565, मॉडल 16, कीमत 435। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने कवर की, कई सारे ट्रैक्टर को कवर किया, कोशिश थी हमारी कि ज़्यादा ट्रैक्टर कवर किए जाएं, लेकिन इतने हो पाए। कमेंट करके बताइएगा आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, पसंद आई तो कमेंट करके बताएं, नहीं आई तो कोई कमी लगी हो वो भी बताएं, ताकि आगे सुधारा जा सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम।